नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 1 जुलाई से अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार नर्स एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जो अभी भी अनवरत जारी है। जिले की नर्सों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खासा असर पड़ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर उपचार के लिए असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गई इन नर्सों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। नर्स एसोसिएशन के हड़ताल पर चले जाने से जिला चिकित्सालय की भी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था तो कर ली गई है, लेकिन उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं से भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हड़तालरत नर्सों ने कहा है कि जब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर लिखित आदेश नहीं दिए जाते, ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। इस बार नर्स एसोसिएशन आश्वासन से मानने वाला नहीं है। हम समस्त बालाघाट जिला की नर्सेस रेखा परमार प्रांताध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम हड़ताल पर हैं। इसमें 12 सूत्री मांगों को लेकर हम हड़ताल पर हैं। हमारी मांगें हैं उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त नर्सेस को दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने के साथ साथ 15 अगस्त को राष्ट्रीय कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया जाए। कोरोना काल में शासन स्तर पर जितनी भी घोषणा की गई उन पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। कोविड-19 में नर्सेस को सम्मानित करते हुए अग्रिम 2 वेतन वृद्धि का लाभ उनकी सैलरी में लगाया जाए। 2018 के आदेश भर्ती नियम में संशोधन करते हुए 70-80 और 90% का नियम हटाया जाए। प्रतिनियुक्ति समाप्त कर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। सरकारी कॉलेज में जो सेवारत नर्सेस हैं उनको उच्च शिक्षा हेतु आयु बंधन हटाया जाए। मेन नर्स को समान अवसर दिया जाए। कोरोना काल में अस्थायी रूप से भर्ती की गई नर्सेस को नियमित किया जाए। प्राइवेट कंपनी से लगाई गई नर्सेस को भी उनकी योग्यता के अनुसार नियमित किया जाए। कोरोना काल में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में कार्यरत नर्सेस को एक ही विभाग में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। वर्षों से लंबित पड़ी पदोन्नति को शुरू करते हुए नर्सेस की पदोन्नति किया जाए और नर्सेस को डेजिग्नेशन प्रमोशन दिया जाए। मेल नर्स की भर्ती किया जाए। स्वशासन पदस्थ 7th पे कमीशन का लाभ सन 2018 के बजाय 2016 से दिया जाए। शासकीय नर्सिंग कॉलेज में अध्ययन छात्राओं को कलेक्टेड रेट पर मानदेय 18,000 रुपये किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका चौथा दिन है लगातार आप जो है यहाँ पे कर रहे हैं प्रदर्शन हड़ताल करते हुए, अभी तक जिला प्रशासन से या शासन से आपसे कोई चर्चा करने के लिए कोई अधिकारी आया है आपसे? जी हाँ, हमारे सब मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी आए, उन्होंने चर्चा की हमसे। क्या कहा उन्होंने आपसे? वो तो यही बोल रहे हैं कि आंदोलन खत्म करके ड्यूटी पर आ जाए। अभी कोरोना काल जो है, कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उसके अलावा भी अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में जिला चिकित्सालय में, तो जो हॉस्पिटल की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी हड़ताल की वजह से जो है मरीज परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं परेशान, ये तो हमको पता है, लेकिन शासन को भी ये चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि शासन की जिम्मेदारी भी कि आमजन को परेशानी ना हो। ये सिर्फ नर्सेस की क्यों जिम्मेदारी है? कब तक जारी रहेंगी आपकी हड़ताल? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती या कोई संतोषजनक आंसर नहीं मिलता है। लिखित में आदेश नहीं आता तब तक की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार चलते। मतलब आप जो है इस बार पूरा मन बना के बैठेंगे, जब तक आपको लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक आप आश्वासन तो कई सालों से मिलते आ रहे हैं। 2012 में भी ये हुआ था कि स्ट्राइक पे बैठे थे तो बहुत सारे आश्वासन दिए थे, लेकिन आज तक के जो भी आश्वासन है उसको ऑर्डर में या लिखित फॉर्म में आज तक नहीं दिया। मतलब जब तक लिखित आदेश नहीं आएंगे आपकी हड़ताल आदेश नहीं आएगा तब तक के सभी जो प्रांतीय जितने भी मध्य प्रदेश की नर्सेस हैं कंटिन्यू हड़ताल। आपने कहा कि अन्य राज्यों के अनुसार हमको यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी वेतनमान मिलना चाहिए, अन्य सुविधाएं मिल, अन्य राज्यों में वेतनमान और यहाँ के वेतनमान में क्या फर्क है? कितने परसेंट का फर्क है? 4200 सर, वहाँ 4200 का ग्रेड पे मिल रहा है और हमारा अभी भी 2800 का ग्रेड पे चल रहा है।